तेलंगाना में सियासत गरमाई हुई है। फोन टेपिंग मामले में जहां एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसे लेकर कांग्रेस लगातार केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति पर हमलावर है और इसी कड़ी में अब कांग्रेस ने सीबीआई को पत्र लिखा है। तो कैसे घिर गई है केसीआर, क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बीच तेलंगाना की सियासत में भी हलचल काफी तेज है। प्रदेश में फोन टैपिंग का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है और मामले में पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बुरी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने सीबीआई को पत्र लिखा है और रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की है। कांग्रेस सरकार में मंत्री कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने आरोप लगाया है कि केसीआर सरकार ने व्यापारियों और न्यायाधीशों सहित 1200 से अधिक लोगों के फोन टैप किए। रेड्डी ने पूर्व एसआईजी डीजी प्रभाकर राव को फोन टैपिंग के पीछे का मास्टरमाइंड बताया और कहा कि आरोप लगते ही प्रभाकर राव समेत केसीआर के दामाद हरीश राव अमेरिका फरार हो गए, इसलिए हमने रेड कॉर्नर नोटिस की मंजूरी के लिए सीबीआई को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि मामले में गिरफ्तार पूर्व डीसीपी पी राधाकृष्ण राव के बयान ने सनसनी मचा दी है। उन्होंने खुलासा किया कि केसीआर की सरकार में कई महत्वपूर्ण हस्तियों के फोन टैप किए गए। पूर्व डीसीपी ने बीआरएस सरकार पर आरोप लगाया था कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान के चंद्रशेखर राव के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर नजर रखने के लिए कथित तौर पर कई राजनेताओं, व्यापारियों और टॉलीवुड हस्तियों के टेलीफोन उपकरणों की निगरानी की गई थी। यहां तक कि इंटरनेट कॉल्स तक पर नजर रखी गई थी। इस खुलासे ने मामले में सियासत तेज कर दी है और केसीआर बुरी तरह से घिर गए हैं। अब मामले में क्या कार्रवाई सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी।